टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबले के लिए कोलकाता पहुंच गई, जहां टीम इंडिया का ग्रैंड वेलकम किया गया। कोलकाता के ईडन गार्डन में 5 नवंबर को टीम इंडिया का अगला शिकार होंगे साउथ अफ्रीका। टीम इंडिया अभी तक इस वर्ल्ड कप में अनबीटन है और 7 के 7 मुकाबले जीतकर 14 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज है, जबकि साउथ अफ्रीका 7 में से 6 मैच जीतने के बाद 12 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। नीदरलैंड के खिलाफ एक मैच को छोड़ देते साउथ अफ्रीका ने सभी मैचों में अटैकिंग क्रिकेट खेला है। इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर भी साउथ अफ्रीका के नाम दर्ज है। साउथ अफ्रीका के सभी मैचों का औसतन स्कोर देखे तो 311 रन निकलता है। एक मैच को छोड़ दे तो अभी तक किसी भी टीम के गेंदबाजों ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए हैं, लेकिन अब कोलकाता के ईडन गार्डन पर साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा सबसे खतरनाक टीम इंडिया से। इस वर्ल्ड कप में अभी तक किसी भी टीम ने भारतीय गेंदबाजों के सामने 300 के आंकड़े को छुआ तक नहीं है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज की आग उगलती गेंदों के सामने विपक्षी बल्लेबाज झुलस कर रह गए हैं, तो वहीं कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की स्पिन गेंदबाजी के सामने विपक्षी बल्लेबाज नाचते हुए दिखाई दिए। अब देखते हैं कि टीम इंडिया इस तिकड़ी के आग की तपिश को अफ्रीकी बल्लेबाज कितनी देर तक झेल पाते हैं। रोहित की सेना ने जिस तरह से अभी तक 7 टीमों को नेस्तनाबूद किया है, उसी तरह साउथ अफ्रीका को भी इस मुकाबले में धूल चटाएगी और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की कुर्सी बचा रखेगी। इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।